दोस्तों, अगर आप भी हैदराबाद और कोलकाता के बीच आईपीएल का फाइनल मैच देखने के बाद खुश हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 100 लाइक्स का, तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि आईपीएल 2024 का अंतिम मुकाबला एमएस चिदम्बरम स्टेडियम पर कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया, जहां इस मैच में दोनों टीमें जीतकर इस आईपीएल की ट्रॉफी को अपने नाम करना चाहती है। लेकिन दोस्तों, इस मैच की शुरुआत आखिरकार हैदराबाद के फेवर के साथ हुई। दरअसल दोस्तों, यहां पर हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का डिसीजन लिया और ये बल्लेबाजी करने का फैसला इतना सही साबित हुआ कि पहले 20 ओवर में हैदराबाद ने 247 रन जड़कर पूरा मैच अपने काबू में कर रखा था और कोलकाता की टीम तो दूर दूर तक तो छोड़ो 101% तक ऐसा लग रहा था कि वो इस मैच को जीत नहीं पाएंगे। लेकिन दोस्तों, आईपीएल में अगर चमत्कार ना हो भला ऐसा हो सकता है क्या? हुआ ये कि जब हैदराबाद की तरफ से पारी की शुरुआत ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा करने के लिए उतरे तो यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों ने बस एक ही रणनीति अपनाई और वो थी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। यहाँ पर आते से ही ट्रेविस हेड ने बल्ला चलाना शुरू कर दिया तो अभिषेक शर्मा भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर यहाँ 40 रन की साझेदारी कर दी थी। लेकिन दोस्तों, पहला बड़ा झटका ट्रेविस हेड के रूप में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को वरुण चक्रवर्ती ने दिया। जब वो पारी का 5वां ओवर लेकर आए थे तभी उन्होंने आते से ही ट्रेविस हेड को बड़ा शॉट खेलने के लिए मजबूर किया और डीप कवर्स में खड़े ट्रेविस हेड ने सीधा अपना कैच आंद्रे रसल के हाथों में थमा दिया और 27 रन की पारी ट्रेविस हेड की यहीं समाप्त हुई। और ट्रेविस हेड के आउट हो जाने के तुरंत बाद अभिषेक शर्मा भी चलते बने, जिनको इसी ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने 34 रन पर आउट किया। अब दो बड़े झटके लग जाने के बाद हैदराबाद की टीम पूरी तरह से बौखला चुकी थी, क्योंकि अब यहां से विकेट गिरने का सिलसिला हो गया था शुरू। और वैसे भी पूरा भारत देश जानता है कि हैदराबाद की बल्लेबाजी तभी तक अच्छी चलती है जब तक कि ये दोनों बल्लेबाज ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा मैदान पर रहते हैं। उसके बाद तो हैदराबाद की बल्लेबाजी को कोई इतना पूछता नहीं है और ऐसा ही होता हुआ नजर आया। दरअसल दोस्तों, जब तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए राहुल त्रिपाठी का साथ निभाने के लिए नीतीश कुमार रेड्डी उतरे तो दोनों बल्लेबाजों से उम्मीद लग रही थी बड़ी साझेदारी देखने के लिए मिलेगी। लेकिन दोस्तों, यहां पर नीतीश कुमार रेड्डी 13 रन बनाकर ही आउट हुए और ये बड़ा विकेट गिर जाने के बाद हैदराबाद की टीम पर अब पानी फिरता हुआ नजर आ रहा था। एक समय ऐसा था जब लग रहा था कि आज तो हैदराबाद की टीम 200 के पार स्कोर को पहुंचाएगी, लेकिन अब ये समय ऐसा आ चुका था जहां से हैदराबाद की टीम पाई पाई के लिए मोहताज हो रही थी और 150 रन बनाने भी उनकी टीम के बस की बात लग नहीं रही थी। अब दोस्तों, यहां से मैच पूरी तरह कोलकाता के काबू में था। अब नीतीश कुमार रेड्डी का विकेट गिर जाने के बाद जब राहुल त्रिपाठी का साथ निभाने के लिए शाहबाज अहमद उतरे तो यहां पर शाहबाज अहमद और राहुल त्रिपाठी ने मिलकर यहां अपनी टीम को संभाला। दोनों बल्लेबाजों ने 100 रन की साझेदारी को मात्र 54 गेंदों में अंजाम दिया। इस बीच ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे शाहबाज अहमद ने सबसे पहले तो अपना अर्धशतक मात्र 25 गेंदों में पूरा किया और अर्धशतक जड़ने के तुरंत बाद अगली ही गेंद पर शाहबाज अहमद को अपनी चालाकी से श्रेयस अय्यर ने फंसाया। जहां अय्यर जानते थे कि अगर शाहबाज को आउट करना है तो उनके आगे एक अच्छा स्पिनर खिलाड़ी लाना पड़ेगा। और जब सुनील नारायण को 15वां ओवर थमाया तो इसी ओवर की 4थी गेंद पर शाहबाज अहमद डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगाने के लिए गए, लेकिन वहां खड़े श्रेयस अय्यर ने बड़ी आसानी से कैच पकड़कर शाहबाज अहमद को 53 रन पर ही चलता किया। अब चार बड़े झटके लग जाने के बाद हैदराबाद की टीम पूरी तरह से प्रेशर में तो थी, लेकिन अब ऐसा लगने लगा था कि 150 के पार ये स्कोर पहुंच जाएगा, क्योंकि अब राहुल त्रिपाठी और हेनरिक क्लासेन मैदान पर थे। यहां पर दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया और इस दौरान राहुल त्रिपाठी के रूप में 5वां बड़ा झटका हैदराबाद की टीम को तब लगा जब राहुल त्रिपाठी 65 रन पर खेल रहे थे और तब हैदराबाद की टीम बड़ी तेजी से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही थी। लेकिन तभी आंद्रे रसल ने राहुल त्रिपाठी को अपने जाल में फंसाकर कॉट एंड बोल्ड आउट किया और ये विकेट गिर जाना हैदराबाद की टीम को कम से कम 20 से 30 रन पीछे कर गया और उन्होंने 65 रन बनाए तो वहीं उनका साथ निभाने वाले हेनरिक क्लासेन ने 50 रन बनाए, जिसके चलते यहां हैदराबाद 247 रन बनाने में कामयाब हो सकी और यहां अब कोलकाता के आगे लक्ष्य था 248 रन का विशाल, वो भी इस मैदान पर बना पाना जो कि नामुमकिन सा ही लग रहा था। और हैदराबाद की टीम ने जिस तरह की गेंदबाजी शुरुआत के 5 ओवर में दिखाई वहां से तो कोलकाता की टीम जीतना तो छोड़ो बस यही सोच रही थी कि यहां पर 20 ओवर भी कैसे खेले। हुआ ये था कि जब कोलकाता गेंदबाजी करवा रही थी तब वरुण चक्रवर्ती ने 3 विकेट लिए थे तो वहीं एक एक विकेट आंद्रे रसल और सुनील नारायण के नाम रहा। अब दोस्तों, हैदराबाद की टीम को ये तो पता था कि कोलकाता के बल्लेबाजों के मन में यह रहेगा कि यहां पर गेंदबाजों को काफी अच्छी मदद है और स्पिन गेंदबाजों को खास तौर पर,
इसीलिए यहाँ पर पैट कमिंस ने शुरुआत से ही स्पिन गेंदबाजी पर ज्यादा फोकस रखा। भले पहला ओवर भुवनेश्वर कुमार ने करवाया और यहाँ पर जब कोलकाता की तरफ से सुनील नारायण और रहमानुल्लाह गुरवाज पारी की शुरुआत करने के लिए आए थे तो इन्हें भी अंदाजा नहीं था कि दूसरे ही ओवर में पहला बड़ा झटका लग जाएगा। यहाँ पर रहमानुल्लाह गुरवाज मात्र 12 रन बनाकर वो भी 5 गेंदों में आउट हुए और उनका विकेट शाहबाज अहमद को दिया। जी हाँ दोस्तों, पैट कमिंस ने रिस्क लेते हुए यहाँ पर दूसरे ही ओवर से स्पिन गेंदबाजी लगा दी थी क्योंकि यहाँ पर काफी मदद मिलती हुई शुरुआत के अच्छी गेंदों पर नजर आने लगी। अब पहला विकेट रहमानुल्लाह गुरवाज का गिर जाने के बाद कोलकाता की तरफ से तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे वेंकटेश अय्यर। जहाँ वेंकटेश अय्यर और सुनील नारायण के बीच साझेदारी आगे बढ़ तो रही होती है लेकिन दोस्तों यहाँ पर दूसरा बड़ा विकेट भी गिरने में ज्यादा समय नहीं लगता है और ये विकेट होता है सुनील नारायण का। जी हाँ दोस्तों, शाहबाज अहमद सुनील नारायण को भी मात्र 24 रन पर ही चलता करते हैं और सुनील नारायण के तुरंत आउट हो जाने के बाद फिर अभिषेक शर्मा जो कि दूसरे छोर से गेंदबाजी संभाले हुए थे यहाँ पर पैट कमिंस के कहने पर उन्होंने सुरेश अय्यर को अंदर आते हुए गेंद डाली और वो गेंद जाकर सीधा स्टंप पे लग गई। जहां सुरेश अय्यर की गिल्लियां उखाड़ देने के बाद उनके रूप में तीसरा झटका कोलकाता की टीम को मात्र 6 ओवर के भीतर ही लग चुका था और सुरेश अय्यर मात्र 21 रन बनाकर आउट हुए। अब दोस्तों ये तीन बड़े झटके लग जाने के बाद पूरी पारी दबाव में आ चुकी थी। अब यहाँ वेंकटेश अय्यर का साथ निभाने के लिए आंद्रे रसल आते हैं। यहाँ पर वेंकटेश अय्यर और आंद्रे रसल ने मिलकर अच्छी साझेदारी तो की लेकिन दोस्तों यहाँ पर जब वेंकटेश अय्यर 43 रन बनाकर आउट हो गए तब दोस्तों कोई भी होप कोलकाता के पास बची नहीं थी क्योंकि यहाँ पर 4 बड़े विकेट गिर जाने के बाद अब रिंकू सिंह और आंद्रे रसल मात्र विकल्प बचे हुए थे कोलकाता की टीम के लिए। अब दोस्तों रिंकू सिंह ने ठान लिया था कि वो भले इस सीजन में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए लेकिन फाइनल मैच में अपनी टीम को जिताने की कोशिश जरूर करेंगे और उन्होंने यहाँ पर आंद्रे रसल को थोड़ा धीमे खेलने के लिए बोल दिया और खुद ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। इस दौरान आंद्रे रसल और रिंकू सिंह मैच को अंतिम ओवर तक ले जा पहुंचे और यहाँ पर आपको जानकर हैरानी होगी कि रिंकू सिंह ने तो अपने 50 रन भी मात्र 18 गेंदों में ही पूरे कर लिए थे। अब अंतिम 6 गेंदें बची हुई थी और करवाने के लिए सामने ओवर आए हुए थे हैदराबाद की तरफ से टी नटराजन और यहाँ पर 6 गेंदों में जीतने के लिए कोलकाता को चाहिए थे 27 रन। अब दोस्तों यहाँ पर पहली गेंद का सामना जब आंद्रे रसल कर रहे थे तो टी नटराजन ने यॉर्कर लेंथ डाली और इस गेंद पर चौका आंद्रे रसल ने बटोर लिया। फिर अगली गेंद पर भी 4 रन बने और फिर अगली गेंद पर 1 रन भागकर आंद्रे रसल ने पूरी जिम्मेदारी रिंकू सिंह को सौंप दी। अब दोस्तों 3 गेंदें बची थी, 3 छक्के लगाकर ही यह मैच कोलकाता की टीम जीत सकती थी और रिंकू सिंह ने पहले भी यह कारनामा किया है। हर कोई यही सोच रहा था कि यहाँ पर हर बार ऐसे चमत्कार होते नहीं और रिंकू सिंह क्या ही मैच जिता लेंगे लेकिन दोस्तों रिंकू सिंह तो अलग ही मूड में थे। यहाँ पर जब टी नटराजन ने एक और सटीक यॉर्कर फेंकने की कोशिश की तो यहाँ वो गेंद फुल टॉस चली गई और रिंकू सिंह ने आगे बढ़कर उस गेंद को डीप कवर्स के ऊपर से छक्का जड़ दिया। फिर अगली गेंद पर रिंकू सिंह ने चालाकी दिखाते हुए रिवर्स स्कूप शॉट लगाकर पीछे की तरफ छक्का बटोरा। अब मात्र 1 गेंद बची थी, मैच जीतने के लिए 6 रन चाहिए थे और रिंकू सिंह को तो आप जानते ही हैं कि उन्होंने यह नहीं समझा कि सामने गेंदबाजी टी नटराजन करवा रहे हैं, उन्हें तो बस शॉट लगाने से मतलब था और उन्होंने सामने की तरफ डीप मिड विकेट के और छक्का लगाते हुए यह मैच अपनी टीम को जिताया। और दोस्तों रिंकू सिंह की इस 86 रन की पारी और आंद्रे रसल के 59 रन की बदौलत यह मुकाबला कोलकाता की टीम जीतने में कामयाब रही। हालांकि हैदराबाद की टीम ने कोशिश पूरी की इस मैच को जीतने की लेकिन दोस्तों अफसोस के साथ उनको जीत मिल नहीं पाई। हालांकि ये फाइनल मैच से पहले खेला गया इंटर स्क्वाड और अभ्यास सत्र का मुकाबला जिसमें कोलकाता की टीम की जीत हुई। बाकी अब आप सभी की क्या राय है कोलकाता के प्रदर्शन को देखने के बाद और आप कोलकाता की बल्लेबाजी और गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।